नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेरोजगारी भत्ते में क्या बदलाव हुए हैं और इसकी क्या क्या शर्तें हैं। वैसे दोस्तों, बहुत से लोगों को पता है कि बेरोजगारी भत्ते के क्या शर्तें हैं, क्या नियम हैं, लेकिन दोस्तों बहुत से लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता है कि बेरोजगारी भत्ते में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या इसके नियम हैं। तो वो लोग बिना इन चीज़ों को फॉलो करके अपना फॉर्म भराते हैं, इसलिए शायद उनका फॉर्म जो है स्टॉप हो जाता है या अप्रूव्ड नहीं हो पाता। और यदि फॉर्म अप्रूव्ड भी हो जाता है तो उनको पैसा नहीं मिल पाता, शायद वो नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं मिल पाता हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सुन पा रहे हो कि मेरी तबीयत आज ख़राब है, फिर भी दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म भरने के लिए क्या क्या कागज होना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों बहुत से नए लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता है कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बेरोजगारी भत्ते फॉर्म में लगाने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लगाना है स्वघोषित लिखित आवेदन पत्र। ये क्या है दोस्तों? ये आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको ई मित्र पर अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निष्क्रियता संबंधित प्रमाण पत्र, ये भी दोस्तों आपको ई मित्र पर इसकी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों, जमा दो कक्षा की अंक तालिका की कॉपी। तो दोस्तों, आपको टेंथ की मार्कशीट लगानी होगी। अब है दोस्तों, स्नातक परीक्षा की अंक तालिका, यानी दोस्तों आपने जो ग्रेजुएशन किए हुए उसकी मार्कशीट आपको लगानी होगी। उसके बाद दोस्तों है कास्ट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो है दोस्तों, अगर आप SC ST OBC में आते हो तभी आपको लगाना है, अगर आप सामान्य वर्ग में आते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाना होगा। अगला है दोस्तों, बोनोफाइड सर्टिफिकेट, यानी दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद है मूल निवास। तो दोस्तों, मूल निवास सभी लोगों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो SC ST में हो या जनरल में, सभी लोगों के लिए मूल निवास होना अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों है ईमेल ID और फ़ोन नंबर, ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। और दोस्तों, आय प्रमाण पत्र जिसपे तहसीलदार जी या फिर नोटरी होना ज़रूरी है। सबसे लास्ट में दोस्तों, SBI खाते की बैंक की फोटोकॉपी, यानी दोस्तों SBI खाता आपका होना ज़रूरी है। आप दूसरे बैंक की डायरी नहीं लगा सकते हो, केवल SBI के ही लगा सकते हो। और दोस्तों, मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब आपको ओरिजिनली अपलोड कराने होंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट है रोजगार बेरोजगारी भत्ता पात्रता, यानी दोस्तों राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता का पात्रता कौन कौन है। तो दोस्तों, सबसे पहले आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। और दूसरा है दोस्तों, आयु 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों एक बात और, 21 से 35 वर्ष केवल SC ST वालों के लिए ही है, अगर आप सामान्य वर्ग में आते हो तो आपकी आयु सीमा केवल 30 वर्ष ही की गई है। यदि आपका फॉर्म अप्रूव भी हो गया हो दोस्तों और आपको जो है पैसा नहीं मिल पा रहा हो और आपकी आयु 30 वर्ष हो, तो दोस्तों आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा रीज़न यही है, आप जनरल में आते हो और आपकी आयु सीमा 30 वर्ष है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपकी आयु 30 वर्ष से कम है तो आपको जो है बेरोजगारी भत्ता सरकार ज़रूर देगी। और दोस्तों, आवेदक ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों पिछली बार इन्होंने जो है परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से ज़्यादा नहीं बोला था, इन्होंने अब बदलाव कर दिया है, 3 लाख से घटाकर 2 लाख कर दिया है। और सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों ये है कि इस योजना के लिए वही आवेदक करे जिसने पहले कहीं नौकरी नहीं की हो। और दोस्तों, यदि आपने पहले किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में भी नौकरी की हो और फिर आपने कंपनी छोड़ दी हो, तो आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म नहीं भर सकते हो। अगर आपने फॉर्म भर दिया तो ये लोग आपका फॉर्म जो है सीधे सी स्टॉप कर देंगे। और इसके अंदर दोस्तों लास्ट टॉपिक है कि युवक और युवतियाँ दोनों ही आवेदन कर सकती हैं। तो ये तो दोस्तों हो गई रोजगारी पात्रता। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान बेरोजगारी भत्ते में किए गए बदलाव। तो दोस्तों, पहले जो है कांग्रेस सरकार ने बोला था कि 82,000 बेरोजगारी लोगों को ही भत्ता मिल पाएगा सालाना, लेकिन दोस्तों इन्होंने बदलाव कर दिया है। अब हर वर्ष केवल 1.60 लाख, यानी कि 1,60,000 लोगों को ही मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, वो भी केवल 2 साल तक। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जिन लोगों के फॉर्म दोस्तों अप्रूव हो रहे हैं नए वाले, यानी कि नए फॉर्म जो भी अप्रूव हो रहे हैं, तो उनको दोस्तों पैसा जो है अगले साल से ही स्टार्ट होगा,
यानी दोस्तों इस बार जो है 160,000 लोगों को जो है बेरोजगारी भत्ता मिलना स्टार्ट हो गया है, और जिनके बाद जो आवेदन किया था उनका फॉर्म अप्रूव होने के बाद 1 या 2 साल बाद उनको उनके खाते में पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, पहले परिवार की वार्षिक आय जो है 3 लाख थी और अब दोस्तों उसको घटाकर 2 लाख कर दी गई है। उसके बाद दोस्तों परिवार में केवल 2 लोग को ही राजस्थान बेरोजगारी भत्ता दे पाएगी। मतलब कि दोस्तों अगर आपके परिवार में आप 4 जने हो और 4 बेरोजगार हो तो सरकार आपको केवल 2 जनों को ही पैसा दे पाएगी, तीसरे को पैसा नहीं दे पाएगी। यदि आपने फॉर्म भी भर दिया है तो वो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर देगी। और दोस्तों बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने का सबसे विशेष कारण यह है कि दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो और अगर आप MA कर रहे हो या BEd कर रहे हो तो दोस्तों उस कंडीशन में भी आपको जो है सरकार पैसा नहीं दे पाएगी। बहुत से लोगों का फॉर्म दोस्तों अपलोड हो गया है, 4 से 5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उनको जो है पैसा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों उसका सबसे विशेष कारण यही है कि वो ग्रेजुएशन के बाद कुछ कोर्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या डिप्लोमा हो या नर्सिंग हो चाहे कोई भी अदरवाइज कोर्स हो, अगर वो आप कर रहे हो तो सरकार आपको पैसा नहीं दे पाएगी। बेरोजगारी भत्ता सरकार उन लोगों को ही दे पाएगी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली हो और वो जो स्वयं बेरोजगार हो। और दोस्तों बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने का सबसे विशेष कारण दोस्तों यही है, यदि आप किसी छात्रवृत्ति या अन्य किसी योजना से पहले लाभ ले रहे हो तो दोस्तों आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाएगा। और दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने अगर BA करी हो या फिर BCom करी हो या ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया हो तो दोस्तों उसमें अगर आपने छात्रवृत्ति ली हो तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको जो है बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाएगा। अगर आप फॉर्म भी भरते हो तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देख ही लिया इस वीडियो में कि बेरोजगारी भत्ते के नियम और शर्तें, तो दोस्तों शायद आपको इसी कारण से जो है पैसा नहीं मिल पा रहा है आपका फॉर्म अपलोड होने के बाद भी। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करो और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों मैं इसी तरीके की वीडियो लाते रहता हूँ तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर दोस्तों फिर भी आपको समस्या है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं आपके कमेंट का 100% रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।